क्या गर्भ संस्कार करने चाहिए? जब भी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ तब हर कोई जवाब देता है कि यस, हाँ, गर्भ संस्कार करने चाहिए। लेकिन बहुत बार ये सब कुछ जानने के बाद, इच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारी माताएं गर्भ संस्कार नहीं दे पाती है और उसका असर जन्म के बाद में हमें भुगतना पड़ता है। अभी आपके लिए सही टाइम है अगर आप संतान को जन्म देना चाहते हैं, या अभी वो संतान आपके गर्भ में बड़ी हो रही है, चाहे आप कौन से भी ट्राइमास्टर में हैं, अभी भी आपके हाथ में टाइम है। अभी भी आप अपने संतान को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे संस्कारित कर सकते हैं, ताकि वो अपने आदर्श गुणों के साथ इस विश्व में बड़ा हो जाए। देखिए, गर्भ संस्कार करना चाहिए यह हर माता कहती है, लेकिन हर माता गर्भ संस्कार कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। सच में गर्भ संस्कार में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी तरीके गर्भधारणा के इस दौर में, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे माताओं को ये पता नहीं है और इसीलिए जन्म लेने वाली हर एक संतान गुणों से भरी हुई नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो इस विश्व में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा ऐसा सर्वगुण संपन्न निर्माण होता था। देखिए, भारत में हर रोज 77,000 डिलीवरीज हो रही है, 77,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। और इतने जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले, बहुत ही बुद्धिमान, महाज्ञानी, तेज, ऐसे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं? वी डोंट नो। हाँ, इतिहास में लेकिन हमने पढ़ा है, महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बारे में हमने पढ़ा है कि उन्होंने चक्रव्यूह करना माँ के गर्भ में ही सीखा था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी यही है कि स्वामी विवेकानंद जी की माता, जब स्वामी विवेकानंद जी गर्भ में थे तभी ध्यान धारणा करती थी, मेडिटेशन करती थी, योग लगाती थी और वही गुण स्वामी विवेकानंद जी में आए और इसी वजह से स्वामी जी बन सके। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में भी हम जानते हैं, जिदा माता जी ने जो कुछ भी सोचा था वैसा ही बच्चा उन्हें प्राप्त हुआ और वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज बने और पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो देखिए, ये कई उदाहरण है। अगर हर माता ये चाहती है कि मेरी भी संतान इस तरह से अच्छी हो, बेहतरीन संतान मेरी कोख से जन्म ले जो संतान आपका नाम रोशन करे, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा, इस वेबिनार में शामिल होना होगा और कौन सी विधियाँ, कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है की जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ये स्टेप्स फॉलो करके आप भी ऐसे होनहार ब्रिलियंट संतान को जन्म दे सकते हैं और इसीलिए इस वेबिनार में आपको शामिल होना है। ये वेबिनार बिल्कुल ही मुफ्त है। इस वेबिनार में मैं आपको बहुत सारी वैल्यूज देने वाला हूँ। इस वेबिनार में मैं गर्भ संस्कार क्यों करने चाहिए, गर्भ संस्कार कैसे करने चाहिए और उनका उस बेबी के ऊपर, उस संतान के ऊपर, उस गर्भ के ऊपर किस तरह से असर होता है, ये तीन चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि माता बनने का आपने अगर निश्चय किया है या अभी आप कुछ दिनों में माता बनने वाली है, तब भी मैं चाहूँगा कि आप ये वेबिनार जरूर अटेंड करें। इस वेबिनार के माध्यम से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पेट में, गर्भ में बढ़ रहे इस संतान को डेवलप करने के लिए बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, जो जानकारी आपको टाइम होते हुए अभी आपके बच्चे को, आपके संतान को संस्कारित करने के लिए मदद कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस वेबिनार में शामिल हो जाइए। इस वेबिनार में पूरे 90 मिनट्स आपको बहुत सारे वैल्यूज, प्रैक्टिकल्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जिस माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। आपके संतान के भविष्य को लेके, डेवलपमेंट को लेके आपके मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, सही प्रोसीजर प्राप्त करने के लिए इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।